गाड़ी में बैठी हूँ, जल गई है तशरीफ। 5 मिनट के लिए गाड़ी खड़ी करो ना, ये तो मैं 1 घंटे से खड़ी थी स्टोर के बाहर। आई तशरीफ जल गई कसम से, मीठा लग रहा। हाँ, कलेजा ठंडा हो गया। वो पापा का नहीं, पापा ये मैं लाती होती थी 450 का, आज पता कितना का मिला है 1000 का। इसको ना बंदा बाहर से चाटे है। देखते हैं आपका संतेगानों को मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शीन्स व्लॉग। मैं हूँ आपकी अपनी शीन, मेरा नाम याद रखना है और मुझे सब्सक्राइब भी करना है। मैं वो देख रही हूँ कि आप लोग ना वॉच करते हैं लेकिन मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे। भाई क्या प्रॉब्लम, क्या चल रहा है, क्यों सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग मुझे? हैं माशाल्लाह मेरे सब्सक्राइबर्स तो बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं ऊपर, लेकिन फिर भी मुझे ये तकलीफ हो रही है। जब मैं एनालिटिक्स पे जाके देखती हूँ तो मुझे तो बहुत सारे लोग वॉच कर रहे हैं लेकिन मुझे सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे आप लोग? इसलिए अब हर वीडियो में मैंने सबसे पहले यही कहना है कि प्लीज़ अगर आप मुझे वॉच कर रहे हैं तो बेशक पूरा वॉच ना करें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना? और नेक्स्ट टाइम आप लोग जब भी मेरी वीडियो स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले आपने सब्सक्रिप्शन देनी है। बच्चों थैंक यू सो वेरी मच। देखिए मैं हर दफ़ा आपको थैंक यू भी कहूँगी, ठीक है ना? बहुत बड़ा वाला, बड़े वाले शॉपर में, बड़े शॉपर में भर के थैंक यू। और आज का दिन हमारा शुरू हो, आज का दिन जो है ना वो मैंने इसी रिक्वेस्ट के साथ शुरू किया है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया कीजिए, कमेंट कर दिया कीजिए और लाइक भी कर दिया करें। ये लाइक और सब्सक्राइब में तो सिर्फ उंगली ही हिलानी है, कुछ भी नहीं करना। मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, देखो देखो ना, थूकने लगती हूँ मैं समटाइम्स, थोड़ा अपनी गलती नहीं मानती मैं, समझ आई ना? तो कहाँ थे हम? हाँ, मैं ये कह रही थी कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, छोटा सा मुन्ना सा कमेंट भी कर दिया करें अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होती हैं। और जिनको नहीं अच्छी लग रही होती ना वो कमेंट ना किया करें, वो अनसब्सक्राइब कर दिया करें, बस गली मुक्की। एवं फिर मैं नूंता चढ़ जानी, लेकिन तो वैसे बहुत मुझे प्यार मिला आप लोगों की तरफ से, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मुझे बहुत प्यार भी मिलता है आप लोगों से, थैंक यू सो वेरी मच। बट अगेन जो लोग मुझे वॉच करें, सब्सक्राइब नहीं करें, लाइक नहीं करें, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कर दिया करें यार, अच्छे बच्चे ना आप, ठीक है, कर देना। तो आज कहानी ये है कि आंटी आप जल्दी निकल जाएंगी क्योंकि मुझे भी बहुत जल्दी है, मैं तेज हो गई है ना, मैंने ए सी ही लगाया। तो आज मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए, अब परसों है जी घर पे एक छोटा सा फंक्शन, मैं जिसका जिक्र बड़ी देर से करती आ रही हूँ अपने वीडियोज़ में कि आयत की ये बात, आयत की बात, आयत की बात। और वो दिन आ पहुँचा और आयत के लिए कुछ मैंने शॉपिंग वॉपिंग करनी थी, उसकी आमीन करें इंशाल्लाह लजीम। कब करें हम? सैटरडे को, कमिंग सैटरडे। तो आज मुझे उसकी थोड़ी शॉपिंग करनी थी तो बहुत देर होगी, मैं कहा बच्चों को घर छोड़ के ना स्कूल से लेके घर ड्रॉप करूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी शॉपिंग पे और साथ साथ आप लोगों को भी रखूँगी, बताऊँगी मैंने क्या बनाना है। और जिस दिन मैं ज़ाहिर है आमीन करेंगे उस दिन तो मैं आपको डिशेज़ आपके साथ सारी शेयर करूँगी ना कि मैंने क्या बनाया है, ठीक है? तो हाई टी करूँगी अपने कुछ रिलेटिव्स के साथ, मिलकर सेलिब्रेट करेंगे आयत की खूबसूरत सा ये डे। उसने 27वीं की शब को माशाल्लाह कुरान पाक कम्प्लीट किया था, तो अपनी बेटी की इस खुशी को हम बहुत प्यारे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे अपनों के साथ मिलकर, तो इंशाल्लाह देखते रहिएगा। अच्छा तो चलें जी, अब बच्चों को लेने जा रही हूँ, उसके हाई टी में कितनी डिशेज हैं और क्या क्या रखूँगी वो सारी मैं आपको दिखाऊंगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेनी तुसी, ठीक है ना, मैं आपको बहुत कुछ सिखा दूँगी, बहुत प्यार प्यार डिशेज मैं आपको सिखाऊँगी। तो अब थोड़ा सा वेट करें, सारी आज तो नहीं बताऊँगी ना मैंने क्या, थोड़ा सा आज मैं प्रिपरेशन करूँगी, वैसे तो कुछ प्रिपरेशन पहले हो जाएगी क्योंकि ज़्यादा लोग आ रहे हैं। अंकल हट जाएँ यार, मतलब मैं शराफत से चल रही हूँ तो जगह ही नहीं दे रहे। तो आज कुछ थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लूँगी क्योंकि थोड़े ज़्यादा लोग हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा काम आज कल कर लेती हूँ ना, थोड़ा थोड़ा सा मुन्ना मुन्ना आज कुछ ले आती हूँ, कल थोड़ा कुछ बना लूँगी और हाफ कुक, और फिर परसों खूब आएंगे मिलके। तो बस अब आड़ू आ गए लेकिन अभी कच्चे। आई लव ईटिंग। चलिए बच्चों मैं तुम लोगों को घर ड्रॉप करके ना, इधर के बच्चे तुम लोगों को घर ड्रॉप करके तो मैं चली जाऊंगी, थोड़ा मैंने शॉपिंग करनी है, ठीक है? तुम लोग जरा खाना वाना खा लेना घर करके बना, ओके? ठीक है, अभी क्या कह रही हूँ, ठीक है, ओके आ रहा हूँ बेटी, खा लोगी ना खाना गर्म करके? अभी थोड़ा लेट जाना, मैं 2 घंटे तक आ जाऊँगा, ठीक है? अभी हम रास्ते में रुके हैं जी गन्ने का रस पीने के लिए। यार म्यूजिक ऑफ करो, गन्ने का जूस। थैंक यू, 3 बनाए हैं ना। थैंक यू आयरा, ले लो आप भी बेटा। सॉस नहीं डाला, मीठा लग रहा। हाँ कलेजा ठंडा हो गया, वो पापा का नहीं,
240? अब गाड़ी कैसे चलाएं? पहले सारा पी लेते नहीं जी बच्चों को घर पे फेंक के तो मैं आ गई हूँ स्टोर में। मेरे अपनी पकड़ी ट्रॉली और यंगर और आंटी यंगर आगे आगे मेरे टमकते हुए जा रहे थे और इतना स्लो टमक रहे थे कि मेरा दिल चाह रहा था मैं पिछूं और रॉक के पर मैंने मारा नहीं। देखो क्या मैं इनको कहूँ, ये मैं राइट मोड़ी हूँ तो अंकल उधर भी आ गया, इसी में कराऊँ। मैं आ गई थी मीट सेक्शन में, मुझे चाहिए था मीट 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 और पीछे से मैनेजर दौड़ता हुआ आ गया। मुझे पता था उसने मुझे पकड़ लेना है क्योंकि यहाँ वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं है। तो मैंने फिर जल्दी से अपना मीट भी ले लिया जितना मुझे चाहिए। आज मैंने मीट लेना था, कल मैं वेजिटेबल्स लूँगी। तो मैंने जल्दी जल्दी क्लिप बना लिया और लेकिन उसने मुझे पकड़ लिया था। फिर मैंने फ़ौरन बंद कर दिया कैमरा। ग्रोसरी कर ली है मैंने, गाड़ी में बैठी हूँ, जल गई है तशरीफ। 5 मिनट के लिए गाड़ी खड़ी करो ना, ये तो मैं 1 घंटे से खड़ी थी स्टोर के बाहर। आए तशरीफ जल गई कसम से, शदीद किस्म की धूप है भाई। तो मैंने ग्रोसरी कर ली और स्टोर वाले ने मुझे मना कर दिया था, उनके मैनेजर ने। वो कहते बाजी हमारा सीनू जमील जो स्टोर है ना इसको नज़र लग जाती है तो आप वीडियो ना बनाएं। तो इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई है। देखो ईद पे मेरे हाथ जो जले हैं, मुंह तो मेरा प्यारा प्यारा देख ले, हाथ भी जले हुए देखो मेरे। आवाम लोगो अब इसमें खुजली हो रही है मुझे। अच्छा जी बस अब हो गई शॉपिंग, अब मैं घर जा रही हूँ और जाके मैं ज़रा काम शाम करूँ, फिर आपको वहाँ पर भी दिखाती हूँ कि मैंने क्या करना है। बल्कि जाते ही मैंने आराम करना है पहले। अभी मैं आयत के स्कूल भी गई थी, उसकी फ्रेंड्स को भी मैंने इनवाइट किया है कि आप लोगों ने ना आयत की आमीन पे आना है। तो उनमें से कुछ बच्चों को ये पता नहीं था कि आमीन क्या होती है। मैंने कहा हो सकता है कि किसी को ना समझ आ रही होगा मैं आमीन 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 क्या कर रही हूँ। आमीन जी जब बच्चा पहली बार कुरान पाक कम्प्लीट करता है तो उसकी खुशी में एक खुशी की जाती है। उस बच्चे को अप्रिशिएट किया जाता है। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि बच्चे के लिए दुआ खैर करवाई जाती है कि माशाल्लाह हमारे बच्चे ने कुरान पाक पहली बार कंप्लीट कर लिया है। तो इसकी खुशी में हम सबको बुला के उनके साथ खाना खाते हैं या चाय पीते हैं, सब लोगों को अपने प्यारों को अपने साथ में लाते हैं और फिर उनके साथ बैठ के खुशी करते हैं। तो ये होती है आमीन। उसमें ये होता है कि हम मैंने तो हाइट ही रखी है। आयरा की दफ़ा मैंने खाना बनाया था, काफ़ी ज़्यादा लोग थे उस वक्त भी, तो अभी मैंने थोड़े कम लोग बुलाए क्योंकि इतना मुझसे मैनेज हो नहीं पाएगा, थोड़ा सा बैकबोन का इशू चल रहा। तो मैंने सोचा कि मैं हाइटी कर लेती हूँ। इनफैक्ट खाने की तरह हाइटी पे भी अच्छा खासा काम होता है, तो हाइटी पे भी ना अच्छा खासा काम होता है। आपको पता है खाने की तरह हाइटी पे भी अगर आपने 6-7 डिश बनाने हैं तो आपको ठीक ठाक टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस दफ़ा मैं हाइटी करूँगी। पिछली दफ़ा खाना हुआ था आयरा की दफ़ा, आयत की दफ़ा मैं हाइटी करूँगी। उसके फ्रेंड्स बच्चे ज़रा हाइटी में जो चीज़ें होती है वो शौक से खा लेते, खाना नहीं खाते। तो बस इसलिए मैंने इस दफ़ा हाइटी की है। और आमीन का मतलब ये होता है, ठीक है, जिसको नहीं समझ आ रही थी मैं आमीन क्या कह रही हूँ, तो ये होती है आमीन कि हमारे बच्चे की पहली बार कुरान पाक कम्प्लीट करने की खुशी में हम लोग दुआ खैर करवाते हैं और खुशी मनाते हैं कि माशाल्लाह इसने कुरान पाक कम्प्लीट कर लिया है, और बच्चे को अप्रिशिएट करते हैं और बच्चे जो होते हैं वो खुश होते हैं। उनकी छोटी छोटी इन चीज़ों को सेलिब्रेट किया करें, खुश होते हैं बच्चे और खुश होकर और अच्छे नेक काम करते हैं, बंदे के पुत्र बन जाते हैं। और नहीं जी जना मैं आ गई हूँ घर, और घर आके मैंने ना अपने काम शुरू कर दिए हैं, सारी चीज़ें संभाल रही हूँ साथ साथ। कुछ दिखा देती हूँ, कुछ तो मैं जो सामान लाई थी वो तो मैं निकाल लेती हूँ अभी। और ये ब्राउन ने मंगवाई थी, ये ज़रूर मंगवानी होती हैं। तरें तरें खाई हैं आप लोगों ने कभी? बहुत मज़े की लगती हैं। और बस अभी मीट वगैरह जो है वो मैंने धो के रखना है, साफ़ करती हूँ। विंग्स हैं ये भी मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ ऐसे ही पैक हुए हुए, और बाद में इनको फिर करूँगी। और ये क्या है मुझे तो जाने मैंने क्या बनाना है। गेहूँ है, पता तो चल गया होगा फिर भी नहीं बताऊँगी। और साथ मैंने ना चिकन बॉयल करके रखा था, करके ना बॉयल चली गई थी, अब इसको मैंने श्रेड करना है। ये सारी प्रिपरेशन मेरी हो रही है बस जी। साथ साथ अब मैंने ये सारे काम समेटने हैं। ये ला ये जो फ्रूट कॉकटेल टिन है ये मैं लाती होती थी 450 का, आज पता कितना का मिला है 1000 का। इसको ना बंदा बाहर से चाटे है। बस फ्रूट देखो फिर
चाट के और रख दो इतना महंगा हो गया 450 से डायरेक्ट 1000 का। हाय ना, मैं कितने जावा ते मंजी कितने डामा। बाकी का सामान भी ना अभी मैं निकाल रही हूँ, क्या क्या लाई हूँ जल्दी जल्दी। मैं थक इतनी गई हूँ, मैं सोच रही हूँ कि ये ना मैं बाद में कर लूँ। ऐसे मैं क्यों कर रही हूँ, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं सो जाती हूँ फ्रिज में, फ्रीज़र में। मैंने मीट वगैरह तो मैंने फ्रीज़र में रख दिया ना, अब मैं थोड़ा सा आराम फरमा के तो उसके बाद काम करूँगी, ठीक है। शाम को बाकी का व्लॉग बनाऊँगी। चलो गुड नाइट हो गई मेरी। ऐसे मैं भिंडियाँ भी लेके आई हूँ, तो शाम का खाना क्योंकि बना के नहीं गई थी, भिंडीज़ लेके आई हूँ। और भिंडियाँ इतनी फ्रेश हैं, और छोटी छोटी ताज़ी ताज़ी सी भिंडियाँ थी तो मैं ले आई। ऐसे तो मैंने चने कल जो बनाए थे वो पड़े हुए, लेकिन मेरा दिल चाहता भिंडी बना के खाऊं। अभी मैं भिंडियाँ बनाऊंगी, ठीक है। अभी नहीं, थोड़ी देर आराम करूंगी, बाकी का काम शाम को करूंगी, और भिंडियाँ भी उठ के बनाऊंगी, भी धो के रख जाती हूँ। सो के उठ के और फिर मुझे भूल गया कि मैंने अपना व्लॉग तो एंड किया ही नहीं और मैंने अपने कामों में मसरूफ हो गई थी, और इसलिए मुझे फिर याद ही रहा। तो ठीक है ना, मैंने काफ़ी सारे काम अपने कर लिए थे, ये कह रही अपने काफ़ी सारे काम कर लिए थे अपने। क्या किया था मैंने, क्या किया था ये भी बताऊँ। मैंने ये किया था, जो चिकन बॉईल किया हुआ था इसको मैंने श्रेड करके रख दिया सारा, और साथ मैंने भिंडियाँ भी बनाई थी। भिंडियाँ पका के रखी थी, चिकन श्रेड करके रखा था, चने बॉईल करके रख दिए थे फ्रीज करके। उसके बाद मैं जो मीट लाई थी वो मैं पका रही हूँ अभी, ये देखो ये पका रही हूँ, और साथ ये गेहूँ जो है वो गल रहा है। हलीम की तैयारी भी कर रही हूँ मैं, देखा ना कितनी सुगड़ बच्ची हूँ मैं, सारे काम टाइम पे कर लेती हूँ। अभी कल है फ्राइडे, फ्राइडे को भी जाऊँगी मार्केट, तो उसके बाद फिर मैं गोश्त थोड़ा ज़्यादा है ना, हिल नहीं रहा, तो हड्डी वाला गोश्त एक्चुअली। ये भी मैं गला के रख लूँगी, इसको बिल्कुल तैयार करके रख लूँगी, गेहूँ भी बिल्कुल तैयार करके रख लूँगी। और मैंने किचन में खूब गंद मचा दिया है, सुबह धीमा सिंह आके परवीन अपना सर नोच लेगी, और क्या करूँ फिर मैं, जब अकेले काम कर रहे हो तो फिर गंद मचाना होता है ना। तो ये चिकन भी शेड हो गया था सैंडविचेस के लिए, मैंने सैंडविच बनाने थे उसके लिए मैंने पहले ही बना के ये रख लिया है। चिकन स्प्रेड भी ले आई हूँ, वेजिटेबल्स कल लेके आऊँगी, काफ़ी सारे प्रिपरेशंस मोटे मोटे काम हो गए, छोटे छोटे कल करूँगी, और बिल्कुल बारीक वाले परसों करूँगी। तो बस अब यही तैयारी थी, मैंने कहा आपको थोड़ी बहुत तैयारी दिखा देती हूँ, ज़्यादा तो मैं परसों ही दिखाऊँगी ना, जिस दिन फंक्शन होगा उस दिन दिखाऊँगी, फिर मज़ा आएगा ना कि मैंने क्या क्या बनाया, ठीक है। तो बस अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और कोई ना कोई छोटा सा कॉमेंट भी कर दिया करें। अगर मेरी वीडियोज़ आप देख रहे होते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, यह आपकी तरफ से बहुत प्यार और मोहब्बत होता है। अगर आपको नहीं है मेरे से प्यार तो मैं क्या करूँ, दुआई कर सकती हूँ। तो ये है कि अब मैं जाती हूँ, ठीक है, बाकी काम अपने ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि आए की आमीन कैसे हुई, सब लोग आए, कितना मज़ा हमने किया, और मैंने क्या क्या बनाया, सारी डिशेस आपको डिटेल से उस दिन दिखाऊंगी, ठीक है। चलिए जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अगर हमें सबको याद रखा करें, ठीक है।